मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक्टिव से पैसिव वाइज में परिवर्तन के विभिन्न नियम बताए। आज मैं चर्चा करूंगा कि जो मॉडल वर्ब्स हैं, यदि किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स का प्रयोग हुआ हो तो उस एक्टिव वाइज को कैसे हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे, इन सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। मॉडल वर्ब जैसे कैन है, गुड है, विल है, शैल है, वुड है, शुड है, मस्ट है, आर टू, मे, माइट, यदि इन मॉडल वर्ब्स में से किसी एक वर्ब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हुआ हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएगी, आप लोग देखिए। पहला सेंटेंस है ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। जो मैंने पहले आप लोगों को बताया कि एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है, एक्टिव से पैसिव वाइज में कैसे परिवर्तित किया जाता है, सामान्य नियम पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, तो बस वही यहां पर करना है। थोड़ा सा परिवर्तन है, जहां पे मॉडल वर्ब्स आ जाए वहां पे थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। वो परिवर्तन क्या है वीडियो के माध्यम से देखिएगा। He can lift this box. अब यहां पर हम देख सकते हैं कि वाक्य में कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, तो सबसे पहले जो आपको ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहां पे दिस बॉक्स है तो हम यहां पे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा दिस बॉक्स। फिर इसके बाद में कैन कैन लगा है तो कैन का यूज यहां पर किया जाएगा। और जहां पे कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आर टू, मे, माइट का प्रयोग हुआ हो वहां पर आपको केवल पैसिव वॉइस में उसके साथ में बी का प्रयोग कर देना है। दिस बॉक्स कैन बी। इसके बाद लिफ्ट है, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म मैंने बताया था, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो हो जाएगा लिफ्टेड। फिर इसके बाद में बाई लगाइए, पूर्ववत जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया। और यहाँ पे ही है, ही को जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाया जाएगा तो इसका हो जाएगा हिम। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मॉडल वर्ब का प्रयोग यदि किसी भी सेंटेंस में हुआ हो तो आप लोग कुछ नहीं करना है, बस आपको उसी मॉडल वर्ब के साथ में बी का प्रयोग कर देना है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लकी आर टू रिस्पेक्ट द टीचर्स। आप यहां पर देख सकते हैं आर टू मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है। इसकी पैसिव वॉइस सेम उसी प्रकार से बनाई जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा द टीचर्स और इसके बाद आर टू। अब इसके साथ आर टू कैन के साथ में भी लगाया तो ये भी मॉडल वर्ब है, आर टू यहां पे भी बी लगाया जाएगा। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा तो रेस्पेक्ट है तो उसका हो जाएगा रेस्पेक्टेड। फिर इसके बाद में बाई का प्रयोग किया जाएगा और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो लकी, क्या है, लकी। फिर इसके बाद में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कैन है, कुड है, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आर टू, मे, माइट के साथ में नॉट का प्रयोग होता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे तो आप इसके माध्यम से देखिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले आपको वही पूर्ववत करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया दिस बुक, फिर इसके बाद में कैन नॉट, फिर क्या करना, कैन नॉट का प्रयोग मैंने कर लिया, फिर यहां पर आपको बी लगा देना है, दिस बुक कैन नॉट बी। फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे रीड, फिर इसके बाद में बाई और ही जो हमारा सब्जेक्टिव केस उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। ये भी कंप्लीट हो गया आपका। ही कुड हैव रिटन अ नॉवेल। आप कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा मॉडल वर्ब के साथ में हैव का प्रयोग हुआ होता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाए। मैंने बताया कि कैन, कुड, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आर टू, मे, माइट का प्रयोग यदि हुआ हो तो पैसिव वाइज में केवल उसके साथ में बी का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन यदि कुड हैव, कैन हैव, विल हैव,
इत्यादि यानी कि मॉडल वर्ब के साथ में यदि हैव का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर पैसिव वाइज में परिवर्तित करते समय आप लोगों को बीन जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो हमारा उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा और नॉवेल, फिर इसके बाद कुड हैव है तो कुड हैव। अब यहां पे कुड हैव लग गया तो इसके साथ में आपको बी नहीं लगाना है, यहां पे आप क्या लगाओगे, बी। क्या लगाओगे, बी। और नॉवेल कुड हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म जो पूर्वोत्तर लिखी है उसको लिख देते हैं रिटेन बाय, और फिर इसके बाद ही है, ही को जब बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुड हैव यानी यदि मॉडल वर्ब के साथ में हैव जुड़ा है तो पैसिव वाइज में बदलते समय उसके साथ में बीन जोड़ दिया जाता है। आप यहां पर देखिए, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि माइट है, मॉडल वर्ब के साथ में हैव जुड़ा है, इसकी पैसिव वाइज कैसे बनेगी, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से पैसिव वाइज में परिवर्तित किया जाएगा। तो इसकी भी देखते हैं, दिस वर्क माइट हैव, फिर इसके साथ में हम बीन का प्रयोग करेंगे, माइट हैव बीन फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय, और सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि यदि मॉडल वर्ब का प्रयोग वाक्य में हुआ हो उसकी पैसिव वाइज कैसे बनाई जाएगी, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। यदि कैन ओनली आया हुआ हो, कैन है, कुड है, विल है, सेल है, वुड है, शुड है, मस्ट, आर, टू में माइट का प्रयोग यदि हुआ है तो पैसिव वाइज में आप केवल उसके साथ में बी जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ना है आपको, बी जोड़ना। और यदि आपका ये कुड हैव आ जाए या किसी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा हुआ हो तो आप वहां पर बीन लगा देंगे, पैसिव वाइज में वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये पूर्वज जो सामान्य नियम के द्वारा आप लोग उसका अनुसरण कर रहे थे उसी सेम उसी प्रकार से आप लोगों को करना है। तो इस प्रकार से ये मॉडल वर्ग परिवर्तन संबंधी नियम मैंने आप लोगों को बताया, और अगले वीडियो में आप लोगों को हम इन्फिनिटिव का प्रयोग यदि वाक्य में हुआ हो तो उस वाक्य की पैसिव वाइज कैसे बनाई जाएगी अगले वीडियो के माध्यम से देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।